थक गए भाई। बेटा रूबी जी। अब्बू पानी लाइयो बेटा, एक गिलास लाई। अब्बू लो, अब्बू पानी लो। आ गए आप? हाँ बोलो, क्या बात हो गई? अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा। बात तो कुछ भी नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आपने कुछ बताया नहीं। किस बारे में? उस दिन आप रूबी के रिश्ते के लिए गए थे, उसका क्या हुआ? होता क्या, वो लोग तो तैयार हैं, पर मैं ही डर रहा हूँ। क्यों, क्या बात हो गई, आप क्यों डर रहे हो? बस वो खास बात तो नहीं है, पर वो लोग खाते पीते लोग हैं। हाय अल्लाह, शराब वगैरह पीते हैं क्या? अबे रहेगी अकल खुरी की अकल खुरी, वो लोग पैसे वाले हैं। तो क्या हो गया? मैं ये सोच रहा हूँ उनका मुकाबला मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं ठहरा गरीब आदमी। हाँ ये तो आप सही सोच रहे हो, अब कैसे करोगे? लड़के के वालिद आने वाले रिश्ता पक्का करने, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। तो आपने उन्हें मना नहीं किया जो वो लोग यहाँ आ रहे हैं? बेगम मैं लालची हो गया था कि मेरी रूबी को अच्छा घर मिल जाए, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, पर अब डर लग रहा है। तो अब आप डरो मत, जो अल्लाह को मंजूर होगा ना वही होगा, क्योंकि अल्लाह हमसे बेहतर जानता है। अब्बू अम्मी ठीक कह रही हैं। तुम ठीक कह रही हो बेगम, अब जो होगा देखा जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। आप ठीक कह रहे हो जी, मैं ऐसा करती हूँ अंदर जाके इंतजाम देखती हूँ। हाँ, जाओ। ठीक है। अब्बू मैं बाजार से कुछ नाश्ते का इंतजाम कर लूँ? बेटा मैंने नाश्ते का सामान लाके रख दिया है। ठीक है अब्बू, मैं जाके अम्मी का हाथ बटाता हूँ। हाँ जाओ बेटा, अम्मी का हाथ बटाओ। अब्बू खाना लगा दूँ? नहीं बेटा, मैं बाद में खाऊंगा, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। ऐसा करो बेटा, अपनी अम्मी का हाथ बटाओ। ठीक है अब्बू। सलीम जी। अब्बू देखो बेटा दरवाजे पे कोई है। कहीं भाई साहब तो नहीं आ गए? बेटा अब्बू हैं? जी हाँ अब्बू अंदर हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बेटा, दरवाजा बंद कर दो। और बताओ खैरियत से? हाँ अल्लाह करम है। आइए तशरीफ लाइए आइए। आप आराम से बैठिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी पानी। शमशाद भाई ये आपकी छोटी बेटी है? अरे इकबाल भाई मेरी तो छोटी बड़ी बस एक ही बेटी है। माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे बुरी नजर से बचाए। बेटा क्या नाम है तेरा? रूबी। सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत नाम है। पानी लीजिए पानी लीजिए। बेटा सलीम जाओ बेटा नाश्ता लगवाओ। बेटा
देखो तकल्लुफ मत करो, मैं तो नाश्ता करके आया था। मैं तो एक काम से आया था, अल्लाह के करम से वो काम मेरा हो गया। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, क्या आप नाश्ता नहीं करेंगे? अरे हमने आपके इंतजार में खाना तक नहीं खाया। आप नाराज ना हो, अगर ऐसी बात है तो एक कप चाय पी लूंगा। ठीक है भाई साहब, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, आपका अपना घर है। और सुनाओ, घर पे सब खैरियत से हैं? सब अल्लाह का करम है। ले आओ बेगम। इकबाल भाई, हाँ जी, यह है हमारी शरीक हयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लीजिए भाई साहब चाय लीजिए। हाँ लेता हूँ। जी जी जी। रूबी, हाँ वो आदमी तो बड़े कायदे के हैं और हाँ इंसानियत भी बहुत है। मुझे लगता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन्हीं का घर चुना है। ओ मेरी बच्ची। अम्मी जैसा आपको ठीक लगे। भाई साहब जी, चाय और मंगाऊं? भाई साहब मैं चाय पीता नहीं हूँ, ये तो आपकी मोहब्बत में पी ली। अच्छा बेटा सलीम, जाओ ये बर्तन रखो, लो ये कप, ये ले जाओ। और बताइए भाई साहब, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? भाई साहब खिदमत तो आपने कर दी, अब खिदमत का मौका मुझे दीजिए। मुझे आपकी बेटी रूबी बहुत पसंद है, मेरे घर में बरकत बनकर आएगी अगर आप मेरी झोली में भीख डाल दें। भाई साहब ये आपने क्या कह दिया, मैं इस काबिल कहां कि मैं आपको भीख दे सकूं? भाई साहब ये तो मैं जानता हूं आप किस काबिल हैं, आप तो उस कोहिनूर हीरे के मालिक हैं जिसे मैं भीख में पाना चाहता हूं। भाई साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं मुझे? देखो भाई साहब मेरी तरफ से पूरी तरह से हाँ है, जिस दिन आप इशारा करोगे मैं भीख मांगने चला आऊंगा। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा भाई साहब अल्लाह हाफिज। ये क्या बोल के गए हैं रूबी के अबू? क्या बोल कर जाते, मैं तो ये जानकर खुद हैरान हूं। ऐसा लगता है कि जैसे एक राजा एक भिखारी से भीख मांग के गया हो। आ गए आप? आ गया। तो क्या रहा? मैं नसीब वाला हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं कुछ समझी नहीं। समझने की जरूरत नहीं है, यूं मानो लड़की हीरा है, हीरा तेरे घर में आएगी, रोशन कर देगी तेरे घर को। सुभान अल्लाह, तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देता, मैं तो हाँ कर आया अल्लाह का नाम लेके। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पर एक बार मैं भी देख लेती तो। हाँ हाँ देख लेना देख लेना, ईद पे चलते हैं और पूरी पक्की बात करके आऊंगा। जी अच्छा, तो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय तो मैं पी के आया हूँ तेरे बहू के हाथ की। अच्छा चाय भी पी आए, खाना तो लगा दूँ? हाँ हाँ खाना लगा दो। ठीक है मैं लगाती हूँ।
सलीम, बेटा रूबी, कहाँ गए आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मेरे बच्चों, मुबारक हो बेटा, आपको भी मुबारक हो। अब्बू ईद मुबारक। आपको मुबारक हो बेटा, आपको मुबारक मेरी लाडो। बेगम, आपको भी ईद मुबारक हो। आपको भी। आप लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अरे अभी रहने दो। क्यों, किसी के घर खा के आए हो क्या? कैसी बातें करती हो? तो फिर क्या हुआ? होता क्या, वो है ना अपने इकबाल भाई, उनका फोन आया था कि मैं ईद मिलने आ रहा हूँ अपनी बेगम के साथ। इकबाल भाई? अच्छा अच्छा, वो वाले इकबाल भाई? हाँ 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 हाँ, वो ही आने वाले हैं, उन्हीं के साथ खाऊंगा। लगता वो लोग आ गए। जी आओ, चलो चलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक भाई जान। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक हो भाई। भी आपको भी ईद मुबारक हो। आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आइए तशरीफ रखिए। खालू सलाम वालेकुम। बेटा खालू नहीं, अब्बू बोल, अब्बू। अजी रुकिए ना, जरा वो डिब्बी तो दीजिए जो मैंने आपको वहां पकड़ाई थी। अच्छा अच्छा वो, हाँ ये लीजिए। के ले बेटी, तेरे लिए, और ये तेरी ईदी। बेटा ये लो, ये मेरी तरफ से लो। भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, इतने ज्यादा पैसे? भाई साहब इस मामले में आप नहीं बोलेंगे, मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ, आपको दूँ तब मना कर देना। ले बेटा, ये ले बेटा। खालू आपने बाजी को दे तो दिए। ले लो बेटा, बच्चों की ही तो ईद होती है। नहीं भाई साहब, आपकी ये गलत बात है, आप बच्चों को मना नहीं करेंगे। लो बेटा अब मना नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीती रहो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जाओ बेटा रूबी, मेहमानों के लिए शीर लेकर आओ। समसाद भाई, मेहमान नहीं, मुझे अपने घर का भिखारी समझो, मैं तो आपके घर पर भीख मांगने आया हूँ, आपके जिगर का टुकड़ा, आपकी बेटी मांगने आया हूँ। भाई साहब इतना शर्मिंदा ना करो, आप कहाँ और मैं कहाँ, भिखारी तो मैं हूँ, आप? शमशाद भाई, खुदा ने मुझे बेटी नहीं दी, ये दौलत आपको बख्शी है, जो मेरे जैसा इंसान आपके घर पर झोली फैलाए बैठा है, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। भाई साहब मैं तो नसीब वाला हूँ, जो आप जैसी हस्ती मुझ जैसे भिखारी के यहाँ मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है। मेरी बेटी की तो किस्मत चमक गई, और हम लोग तो उसी दिन से रूबी को आपकी समझ बैठे हैं। भाई साहब आप अपने आप को भिखारी मत कहो, आप तो हमें अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहे हैं, हमसे कुछ मांग थोड़े ना रहे हैं, बल्कि हम आपसे मांग रहे हैं। आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान, बस आप ये समझो कि हमारी बेटी एक बाप के घर से विदा होकर दूसरे बाप के घर जा रही है। लीजिए भाई साहब
खीर लीजिए। शमशाद भाई, आप इसे ढक दीजिए। मैं कुछ लेने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। कौन सी बात? जहेज की बात। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम चुप रहो। आप जहेज की बात करेंगे? हाँ हाँ, मैं जहेज की बात कर रहा हूँ। आपके मन में ये ख्याल आया भी कैसे? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। बेगम, आप खामोश रहें तो ज्यादा बेहतर है। यह शादी मेरी शर्तों पर होगी। जो मुझे चाहिए वो चाहिए। भाई साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। आप गरीब आदमी है तभी तो मैं खुल के बात कर रहा हूँ। भाई साहब, क्या कहना चाहते हो आप? मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। भाई साहब, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी मांगे पूरी कर सकूं। मैं जानता हूँ आप मेरी मांगे पूरी कर सकते हैं। भाई साहब, मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि मैं आपकी हैसियत का आदमी नहीं हूं, तो आपने मुझ पर दबाव बनाया। पर आज मेरे बच्चों के सामने मुझे जलील कर रहे हो। मैं आपको जलील नहीं कर रहा हूं। मेरी कुछ शर्तें हैं जो आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी करना नहीं चाहते। बताइए भाई साहब, आपकी क्या डिमांड है? मुझे जहेज चाहिए, वो भी मेरी मनपसंद का। अगर आपको अपना मनपसंद जहेज चाहिए तो अपनी हैसियत का आदमी ढूंढ लीजिए। कुछ गरीब के घर क्यों आए हैं? मैंने अपनी हैसियत का आदमी ढूंढा है? जनाब शमशाद साहब, मेरी मांगे तो सुन लीजिए। ठीक है जी, एक बार इन्हीं की बात सुन लो। अबे इनकी सुन रहा हूँ एक घंटे से मैं। पर जो चीज हमारे पास है ही नहीं, हम क्या चोरी करके लाएंगे? बताओ जी, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे एक वादा चाहिए जो आप पूरा करेंगे। ठीक है भाई साहब, अगर मेरी हैसियत न हुआ तो मैं जरूर पूरा करूंगा, जरूर पूरा करूंगा। पहले हाथ जोड़ना छोड़िए, मुझे रोककर मत दिखाइए, फिर जहेज मांगता हूं। ठीक है, मांग लीजिए। देखिए, आप अपनी बेटी को कुछ तो देंगे। थोड़ा देंगे तो भी चलेगा, ज्यादा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए। कौन सा वादा करूं? आप वादा कीजिए कि शादी में आप एक भी पैसा कर्ज का नहीं लगाएंगे। जो आपके पास है सिर्फ वो ही लगाएंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी जो अपने बाप की दहली छोड़ने से पहले अपने बाप को कर्जदार बना जाए। भाई साहब बस करो भाई साहब, बस भाई साहब। नहीं भाईजान, नहीं, रोइए मत, दिल छोटा मत कीजिए। आपकी बेटी हमारी बेटी है। आप चुप हो जाइए, बैठिए भाई साहब। बस अब इन आंसुओं को रोक लीजिए। सारे आंसू अभी बहा दोगे तो बेटी की विदाई पे क्या किराए के लाओगे? भाई साहब, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। जान निकले आपके दुश्मनों की,
मुझे क्या इतना बड़ा जालिम समझा था? भाई साहब, आप इंसान नहीं, आप तो फरिश्ता हैं, फरिश्ता। मेरे भाई, मुझे इंसान बनकर जीने दो। इंसान बनकर जीना बहुत मुश्किल है, मुझे फरिश्ता मत बनाओ। भाईजान, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बच्ची आप फरिश्तों के यहाँ जा रही है, किसी जहेज के लालचियों के यहाँ नहीं। मैं बहू लेने नहीं आई हूँ, बल्कि बेटी के रूप में एक सहेली लेने आई हूँ। पर भाई साहब, आपने इस लहजे में क्यों बात की कि मेरी रूह तो कांप गई? भाई साहब, मैं आपको और दुनिया वालों को ये एहसास दिलाना चाहता था, नहीं चाहिए वो बेटी जिसकी विदाई पर बाप को इतनी खुशी ना हो जितना उसे कर्ज उतारने का बोझ उसके जहन पर तारी हो, वो अपनी बेटियों को बोझ समझने लगे। मैं ये चाहता था हर बाप कर्जा लिए बिना अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करे। भाईजान, आपका ये एहसान हम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो अपने भाई को कर्जदार होने से बचाया है। मुझे फक्र है कि मैं ऐसे फरिश्ते की बीवी हूँ। खुदा की कसम, अगर आज खुदा के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म होता ना, तो मैं आपको सजदा करती। बस बस बेगम, हमारी तारीफ घर जाकर कर लेना, अब तो शमशाद भाई के साथ ईद मनाने दो। समदन जी, क्या सीर नहीं खिलाओगे? बहुत जोर से भूख लगी है। अब तो समदन कह सकता हूँ ना आपको। लीजिए भाईजान, शीर लीजिए। और आप तो कुछ भी कह सकते हैं, आप तो मेरे बड़े भाईजान जैसे हैं। ये लीजिए। असली तो अब बनी है। तो सभी को ईद मुबारक।